नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव नजदीक आ रहा है, दिल्ली के शाहीन बाग पर राजनीतिक आग और तेज होती जा रही। आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कह दिया कि शाहीन बाग एक सोच है जिसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि बीजेपी के नेता खुद शाहीन बाग नहीं खत्म करवा देते। आपको बता दें कि नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर देश विरोधी बयानों के कई वीडियो वायरल हैं, जिसे बीजेपी अपनी बात को साबित करने के लिए लगातार आगे करके सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि क्या शाहीन बाग को देश विरोधी सोच का अड्डा कहा जाना चाहिए। इसी सवाल के मद्देनजर दंगल में आज हमारा मुद्दा है, क्या वाकई शाहीन बाग के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग है? बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट। आप सिर्फ एक रिलीजन के बेसिस पे आप कैसे किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनका मेन मोटिव यही है कि सबको वो लड़ाई करवा के अलग करना चाहते हैं। तो शाहीन बाग अब दिल्ली का एक मोहल्ला नहीं है, शाहीन बाग एक भूगोल का टुकड़ा नहीं है, शाहीन बाग एक विचार है जहां भारत के झंडे और भारत के संविधान का कवर है और भारत के तोड़ने वालों को मंच दिया जाता है। दिल्ली के शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शन दिल्ली चुनाव का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि बीजेपी ये बताने में जुट गई है कि नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर वहां देश का विरोध हो रहा है। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे और मित्रों इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठ कर चले जाए। शाहीन बाग पर बीजेपी की इसी आक्रामक राजनीति ने पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बयान देने पर मजबूर किया है। ये शाहीन बाग के रास्ते भारतीय जनता पार्टी खोलना ही नहीं चाहती। मैं आज आप सब लोगों के जरिए निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी को, पीयूष गोयल जी को, रविशंकर प्रसाद जी को, जितने इनके बड़े बड़े नेता हैं, सबको जाना चाहिए शाहीन बाग, जाके उनसे बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो रास्ते खुलवाने चाहिए। जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये केवल और केवल हर चीज के ऊपर, देश के ऊपर, देश की सुरक्षा के ऊपर, लोगों की सुविधा के ऊपर, हर चीज पे गंदी राजनीति करते हैं। शाहीन बाग और उसकी सोच का मुद्दा सिर्फ दिल्ली के चुनावी खींचतान तक सीमित नहीं है। बीजेपी बताना चाहती है कि नागरिकता कानून का विरोध तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद देश का विरोध है। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के देश विरोधी बयानों के और वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो जेएनयू की छात्रा आफरीन फातिमा के भड़काऊ वीडियो पर भी बीजेपी आक्रामक है। सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं, हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू ये है कि दिल्ली में चक्का जाम हो, और सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में। बतिया है जहाँ जिस शहर में मुसलमान कर सकता है, मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकता है। ठीक है, अब उसमें रोड ब्लॉक कौन है? रोड ब्लॉक भाजपा नहीं है, रोड ब्लॉक कांग्रेस नहीं है, रोड ब्लॉक है जमीयत उलमाए हिंद, रोड ब्लॉक है जमात इस्लामी, ये ठीक है, ये लोग है रोड ब्लॉक। नाम नहीं, हजारुद्दीन, आप सबके बयान पढ़ रहे हैं, आप रोड ब्लॉक कौन है ये समझ लीजिए। क्या मुसलमानों में इसकी हैसियत भी नहीं कि उत्तर भारत के शहरों को बंद किया जा सके? क्योंकि आज हम जब उतरे हैं CA NRC की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। CA NRC के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए दल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है।
नागरिकता कानून के हंगामे में ऐसे भड़काऊ बातों के बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच घमासान हो गया। गणतंत्र दिवस पर सीएए समर्थक उस रास्ते से तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे जहां सीए के विरोधी धरना दे रहे थे। धरना स्थल से 1 किलोमीटर दूर पुलिस की सीए समर्थकों से नोकझोंक हो रही थी और इसी बीच सीए विरोधी आ गए। इसके बाद पथराव और हिंसा हुई। यहां से नहीं मानना पत्थर। जबलपुर से धीरज शाह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ नलिन कोहली होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा होंगे, अध्यक्ष यूथ फॉर इक्वालिटी के, सीएए के समर्थक हैं। एमएच खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीएसपी के समर्थक हैं और नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी हैं। हमारे साथ तौसीफ खान है, वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले नलिन कोहली, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा शाहीन बाग एक सोच है और इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग है। सर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? क्योंकि जब गृह मंत्रालय को याचिका लगा के पूछा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है तो वो नहीं बता पाए। आप बता दीजिए आज कौन है। टुकड़े टुकड़े गैंग उसी सोच के लोग हैं जो भारत के विभाजन की बात करते हैं, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल को तो फांसी करार किया सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, किसी व्यक्ति ने नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक कातलाना संस्था है? दूसरी बात, आज़ादी की जो बात करते हैं, जिन्ना वाली आज़ादी की बात करते हैं, जिन्ना की आज़ादी क्या थी? पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बना, भारत का विभाजन हुआ, दो टुकड़े हुए। जो व्यक्ति वहाँ शाहीन बाग में जाकर कहते हैं कि भाई कश्मीर को तोड़ा जा सकता है, 5 लाख मुसलमान भाई मुझे चाहिए या लोग चाहिए, जैसे कन्हैया के 5 लाख हो, हम जाएं वहाँ पर पूर्वोत्तर को तोड़ देंगे, अगर टूटेगा नहीं तो कुछ महीनों के लिए तो तोड़ ही देंगे, ट्रेन बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा, तो ये क्या भारत को मजबूत और सशक्त बनाने की बात है? भारत का संविधान कहीं पर भी इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति इस इच्छा को जताए और उसके प्रति ऐसे कुछ कहे कि भारत का विभाजन हो। जिस संविधान के आधार पर ये लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को जता रहे हैं, वो हमें ये बता दे कि संविधान में कहां लिखा है कि भारत के टुकड़े होने चाहिए। तो ये एक सोच है, जो व्यक्ति इस सोच को कहता है, खुलेआम कहता है, सरेआम कहता है या किसी संगठन का भाग होकर इसके प्रति कार्य करता है, तो ये व्यक्ति टुकड़े टुकड़े गैंग का होगा। कोई व्यक्ति आरटीआई में होम मिनिस्ट्री को देगा याचिका तो उस व्यक्ति को जवाब यही मिलेगा कि ये क्योंकि सर्टिफिकेट थोड़ी ना बांटती होम मिनिस्ट्री। टुकड़े टुकड़े गैंग भी एक सोच है, हमने जेएनयू में देखा, शाहीन बाग में देख रहे हैं, देश के अन्य जगहों पर भी ऐसी सोच में इस प्रकार की रैलीज आप लोग उजागर करते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कई भारतीय नागरिक उसे उजागर करते हैं। ये भाजपा नहीं बना रही है और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा एक राष्ट्रवादी दल होते हुए, राष्ट्र की हित में सोचते हुए, हर भारतीय के साथ जो इसकी चिंता करते हैं, इस बात को रखेगी और रखना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के नेता खुद क्यों नहीं चले जाते शाहीन बाग, खत्म क्यों नहीं करा देते एक बार जाके? केजरीवाल जी चले जाए अगर उनको बड़ा शौक है, केजरीवाल जी तो हमेशा एडवाइस ही देते रहते हैं। आप मुझे बताइए वो क्यों हमें बता रहे हैं हमें जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए? भाई वो जाए, स्वतंत्र व्यक्ति है और इस सोच के बारे में वो तो कहते नहीं है। उनकी सरकार ने कहीं पर कभी भी परमिशन दी प्रोसिक्यूशन को कि जब कन्हैया कुमार और इन सब व्यक्तियों पे भारत के टुकड़े टुकड़े हो ऐसे नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है नारा लगा रहे थे, तो उनको परमिशन देने में क्यों इतना समय लगा? इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा, उनकी सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वकील तो उन्होंने अपॉइंट किया। तो आप भी ये बात देखिए, अद्भुत स्थिति, संविधान की शपथ खाने वाले व्यक्ति और सरकार, संविधान के विरुद्ध जाने वाले लोग, जो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत के टुकड़े हो, उसकी आशा जताने वाले लोग के ऊपर में कार्रवाई चाहते नहीं है। हाथ क्यों उनके पिघल जाते हैं? सिग्नेचर करने से क्यों घबराते हैं? कौन सी वोट बैंक की यह राजनीति है जिससे उन्हें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए? कौन सा ऐसा भारतीय, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो,
हर भारतीय जो भारत में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है, वो कैसे कह सकता है कि आप हमारे देश का विभाजन करिए, हमें बड़ी खुशी होगी, जिन्ना वाली आजादी हमें मिलनी चाहिए, हमारे देश के और भाग होने चाहिए? इसका जवाब तो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। एमएच खान, ये कैसी संविधान बचाने की लड़ाई है जिसके तहत लोग मंच पर भाषण जाकर देते हैं तो कहते हैं कि आज पता लग गया, देखो अफजल गुरु तो कुछ था ही नहीं आतंकवादी, उसको जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पे लटका दिया। जो कहते हैं कि आओ एक महीने के लिए मिलके असम को काट देते हैं, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये कौन सी संविधान बचाने की लड़ाई है? और फिर जब कहा जाता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है तो आपको बुरा लग जाता है? नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगता है। आपको अच्छा लगता है? ऐसी बातों का मैं ऐसी बातों का खंडन करता हूं और ऐसे लोगों को मैं कंडम करता हूं कि ऐसी सोच रखने वाले हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते हैं। हम संविधान, हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं। अगर सरजिल इमाम ऐसी बातें करता है तो उसकी विचार के हम सहमत नहीं है। ये अगर हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने की बात करता है तो हम उसके साथ नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के उस संविधान के साथ हैं जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, जिसको आज हिंदुस्तान के आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल भी उठा सकते हैं। ऐसे बयानात मैंने सुने कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? ये कौन फैला रहा है? इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इस पे इतना देर से बयानात आ रहे हैं, आप लोग तो फैलाते हैं। नहीं जा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है साहब कि इसको बढ़ने दीजिए? क्यों बढ़ाया जा रहा है इसको? आज सजिल इमाम को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सारी चीजें इंटेलिजेंस के पास मौजूद है। एक सेकंड, इंटेलिजेंस क्यों नहीं कर रही है? जिस उत्तर प्रदेश में बैठे हैं लखनऊ में, वहां पे आप आंदोलन चला रहे हैं कि योगी सरकार ने क्यों पकड़ लिया लोगों को, योगी सरकार ने डंडा क्यों चलाया, योगी सरकार ने गोली क्यों चलाई, और यहाँ आप कह रहे हैं कि सरजिल इमाम को पकड़ते क्यों नहीं? देखिए, और जब पकड़ लेंगे तो फिर आप ही धरने पर बैठ जाएंगे कि कैसे लड़के को पकड़ लिया? मैं देखिए, मैं सरदाना जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी संविधान के खिलाफ काम करेगा उसके साथ नहीं हूँ मैं। संविधान के खिलाफ कार्य करने वाले के साथ नहीं है, आईन के साथ हम है। अगर औरतों पे, महिलाओं पे जुल्म होता है तो उसकी खिलाफत हम करते हैं। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो, अगर वो कोई आदमी शांति पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करता है तो उसको करने देना चाहिए। लेकिन अच्छा, समय और स्थान निश्चित करना चाहिए सरकार को कि आपको कहाँ धरना करना है, कहाँ प्रदर्शन करना है। अच्छा, कौन से स्थान पर करना है, तो कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, आप आइडिया दीजिए एक बार, क्या करें इसमें सरकार? क्या बोले उनको, जाओ लाल किले के बाहर बैठ जाओ, ये ग्राउंड तुम्हें दे देते हैं। डीएम ने जहां बता रखा है कि यहाँ धरना प्रदर्शन करना, वहां करिए, कौन मना कर रहा है? आपने क्यों छूट दिया धरना प्रदर्शन की? आप एक तरफ छूट देते हैं, दूसरी तरफ आप खिलाफत शुरू कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये तौसीफ खान देने की बात है, तेल में घी डालने वाली बात है। ठीक है, तौसीफ खान, शांतिपूर्ण चीज नहीं करना चाहते। ओके, अभी नलिन कोहली आपको जवाब देना चाहते हैं, उनके पास जाऊंगा। उसके पहले तौसीफ खान और चेतन सिंह भी हमारे साथ आ गए, कांग्रेस के समर्थक हैं। तौसीफ खान, दो चीजें मेरे पास आपसे पूछने के लिए। एक तरफ ये कहा जाता है शाहीन बाग का कोई नेता नहीं है, शाहीन बाग का कोई प्रायोजक नहीं है, शाहीन बाग एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उसमें से एक आदमी का चेहरा सामने आता है जो देश को तोड़ने की बात करता है, तो अचानक प्रेस रिलीज आती है, अचानक ट्विटर पे अकाउंट बन के वहां से पोस्ट आ जाता है कि साहब इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। अगर उसका कोई प्रायोजक नहीं, अगर उसका कोई नेता नहीं है, तो फिर ये पोस्ट डालने वाले लोग कौन है? और दूसरा, अब तो कपिल सिब्बल भी बता चुके, अब तो अभिषेक मनु सिंघवी भी बता चुके, देश के बड़े बड़े वकीलों की बैटरी कह चुकी कि राज्य सरकारों के इस कानून के खिलाफ अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव पास करने का कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं प्रस्ताव पास करके बंगाल में? देखिए, बीजेपी वालों आज रो रहे हैं कि हर स्टेट, जो अब तक 4 स्टेट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, सीधी सी बात है कि इब्तदाई विरोध है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो सिर्फ 4 स्टेट ने रेजोल्यूशन पास किया है, अभी बाकी सारे नॉन बीजेपी स्टेट रेजोल्यूशन पास करेंगे, अभी सिर्फ एक केरला स्टेट ने केस किया है, अभी बाकी सारे दूसरे के अपोजिशन वाले केस भी स्टेट भी केस फाइल करेंगे, अभी इनको ये कहते टुकड़े टुकड़े गैंग। मणिपुर वालों ने ऑलरेडी एग्जाइल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया है,
मणिपुर को ऑलरेडी वो लोग कहते हैं कि सॉवरेन स्टेट है और वो लंदन में अपना एग्जाइल गवर्नमेंट चलाते हैं, आप क्यों नहीं एक्शन लेते टुकड़े टुकड़े? शाहीन बाग में अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसको बदनाम करना इनका मंशा है। पहले ये कहते हैं कि भाई 500 रुपये दे करके पहले बिठाया जा रहा है, हमारी माँ बहनें जो कि स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट में आकर बैठी हुई है उनके प्रोटेस्ट को ये जो है ट्रिवियलाइज करना चाहते हैं। वहाँ पे हर राइट्स एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब उसके बाद में किसी ने अगर कहीं पर कोई भाषण दिया जिसकी मैं खंडन करता हूं, जिसने आसाम को अगर तोड़ने की बात की उसने भाषण दिया कहीं और, उसको जोड़ दिया जाता है दिल्ली से, उसने तो उसी संदर्भ में तो भाषण दे रहा था भाई, भाषण नहीं दिया गया, अब उसी संदर्भ में तो बात कर रहा था किसी और जगह उसको आप शाहीन बाग से। एक भाई साहब ये कहते हैं कि आसाम को काट दो, चिकन नेक को काट दो, दूसरी मैडम वहां से आपने ये कहती है शाहीन बाग से, आप तो वकील है ना, सुन लीजिए, आप वकील हैं कम से कम काले कोर्ट की और कानून की इज्जत करते होंगे। वो कहते हैं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती अफजल गुरु को चढ़ा दिया फांसी पर, जबकि अब पता लग रहा है कि उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उसका तो कोई दोषी नहीं था। एक कहते हैं कि आप लोग मन में कुछ भी रखिए, अपनी आइडियोलॉजी का जब मौका आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल इनको यह दिखाओ कि यह इंक्लूसिव आंदोलन है। यह क्या है, इसमें क्रोनोलॉजी नहीं देखेगा क्या कोई, या आप उस क्रोनोलॉजी का हिस्सा है? तो अगर सर नहीं, अगर सरकार माइक्रोस्कोप लेकर के बैठी हुई है शाहीन बाग में कि कौन आ रहा है, क्या ये तो सार्वजनिक है ना, तो हर चौक चौराहे पे चल रहा है, आपके मोबाइल में नहीं दिखता क्या? इस विरोध का सुन लीजिए अच्छा सुन लीजिए, विरोध का जड़ है सीए, सरकार सीए को वापस क्यों नहीं ले लेती? विरोध का जड़ है एनआरसी को लेकर के बीजेपी के नेताओं का बयान, सरकार क्यों नहीं उसको क्लियर कर देती? विरोध का जड़ है एनपीआर, सरकार उसको वापस क्यों नहीं ले लेती? विरोध का जड़ है ये बीजेपी के नेता जो कहते हैं पाकिस्तान भगाओ मुसलमानों को, तो सरकार उस पर आकर के कहीं नहीं क्यों नहीं कुछ बोलती? विरोध का जड़ है संविधान बचाओ, सरकार क्यों नहीं क्लियर करती कि भाई हाँ हम संविधान का पालन बचाओ में। मुझे ये बता दीजिए ये कहां से आता है, जहां मंच पे खड़े होकर लोग कहते हैं कि असम को काट दो, क्या मंच पे खड़े होकर लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हत्यारा है देश का, जहां मंच पे खड़े होकर लोग ये कहते हैं कि सामने कुछ और दिखो, असल में भले कुछ भी रहो, क्या आप भी वही कर रहे हैं कि सामने कुछ और दिखे असल में भले कुछ भी रहे? तो इसका मतलब क्या होता है, आप भी वही कर रहे हैं, वालों पे ब्लेम डाल देंगे? पिछले 6 साल से देखिए ये बीजेपी की राजनीति है, 6 साल में कितने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा है सरकार ने बता दीजिए मुझे, 6 साल से 6 साल में कितने मुसलमान हिंदुस्तान की सरकार ने ऑफिशियली पाकिस्तान भेज दिया उठाकर कि ये हिंदुस्तानी होने लायक नहीं है, इनको भेजो पाकिस्तान, कितने मुसलमान गए बताइए? केंद्रीय सरकार को तो अपनी भी कुछ केंद्रीय सरकार को तो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आप सरकार चला रहे हैं, ये देश ने 6 साल में हिंदुस्तान के कितने मुसलमानों को उठा के बॉर्डर पार फेंक दिया गया कि जाओ पाकिस्तान यहीं रहो तुम लोग, आपके आपके आप ये मानते हैं कि 6 साल से आप यही बोल बोल के डरा रहे मुसलमानों को देश के, जितना ज्यादा कि तुमको पाकिस्तान फेंकाएंगे ये लोग, जवाब है आपके पास इसका या नहीं है? क्या सवाल बोलिए, सवाल बोलिए, मुझे लगा आपने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया। तो बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा आपसे कि पिछले 6 साल में कितने मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरकार ने सरहद पार फेंक दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान रहने लायक हो, एक, और अगर नहीं फेंका तो क्यों ना माना जाए कि 6 साल से आप लोगों ने लंबी लिस्ट रखा है मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि वो आपके चंगुल में रहे? नहीं 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 नहीं, वाह वाह, खुद कत्ल करके आप दूसरों से पूछते हैं वो क्या माजरा हुआ? बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है, मोटर माउथ नेता गिरिराज सिंह से शुरू होकर के कितने सारे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो हर दिन कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए मुसलमानों को, बांग्लादेश चले जाना चाहिए मुसलमानों को, इन लोगों को यहां से भगा दो। गिरिराज का बयान हो, आदित्यनाथ जी भी उसका समर्थन करते हैं, महाराज के बयान हो, हम पे इल्जाम डाल दे, ये बता देता हूं ना, ये प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ में, कुछ भी कर लो सारा इल्जाम दूसरों पे डाल दो, कांग्रेस पे इल्जाम डाल दो, शाहीन बाग पे इल्जाम डाल दो, और जो लोग आपकी तनकीद करते हैं आपके बातों को क्रिटिसाइज करते हैं उस पे इल्जाम डाल दो, सारे लोग एंटी नेशनल है, सिर्फ बीजेपी वाले उनके जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले वही राष्ट्रवाद है। नहीं सर, प्रोपेगेंडा तो आप चला रहे हैं और वो दिख रहा है, प्रोपेगेंडा क्या चला रहे हैं, किसका चला रहे हैं, जिसमें आप लोग ये बोलते हैं
कि मन में कुछ भी रखो, सामने कुछ और दिखाओ, सामने दिखो कि हम इंक्लूसिव है। मन में अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो जगह रखो, जब मौका आएगा तब उसको ले आएंगे आइडियोलॉजी को। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, गिरिराज के बयान पर सरकार ने कह दिया हमारा बयान नहीं है, लेकिन आपने कहा गिरिराज का है। शर्जील इस्लाम के बयान को आपने तुरंत कह दिया, कह रहे इसको तो खारिज कर दो क्योंकि शाहीनबाग से ट्वीट आ गया है, अब यह बयान मान्य नहीं होना चाहिए। क्यों ये बात दोनों पर लागू क्यों नहीं करते आप लोग, क्योंकि आपको सूट नहीं करता। हाँ, तो शर्जील इमाम को अरेस्ट कीजिए ना, आप तो उस पे सियासत करना चाहते हैं ताकि आप फिर धरना देने के बैठ जाए कि हमारे बच्चे को पकड़ लिया। दिल्ली की जनता बीजेपी सरकार को वोट दे देगी ये सोच करके कि शर्जील इमाम ने क्या कहा। बीजेपी की जनता दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी को इस बात पे वोट नहीं देगी कि शर्जील इमाम ने क्या किया। ओके, वो ये पूछेगी आप ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली की जनता किस बात पे वोट देगी किस बात पे नहीं। बहुत बढ़िया, सस्ता किया या नहीं किया, जब बोलिए उसके बाद चेतन सिंह के पास जा रहे हैं, वो मुद्दे पे ना राजनीति होनी चाहिए। अभी इलेक्शन है दिल्ली का तो इनको मुद्दे बनाना है, बताया गया कि आप एक खुद वकील हैं और जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 143 पिटीशन सो कॉल्ड सिंबॉलिक पिटीशन आपके फेवर में फाइल की गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसी क्या आफत पड़ी हुई है कि शाहीन बाग को एकदम जंग का मैदान बना दिया गया है, और ऐसा जंग का मैदान जिसमें कि केवल पाकिस्तान परस्ती की बातें हो रही है। एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज वहां से कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो आता है जो पूरे देश में आग लगाने का काम करता है। अगर शाहीन बाग वाले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं और वो देश की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को जब वो बोल रहे होते हैं वो स्टेज से उठा के बाहर क्यों नहीं फेंकते, इसका जवाब दे सकते हैं आप? क्यों इस तरह से करते हैं आप लोग? और हर बार जब मैं जब देखो तब भारत को तोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। अभी भी आपने ये जवाब नहीं दिया कि पिछले 6 सालों में एक मुसलमान को लाके दिखा दीजिए जिसको भारत से बाहर भेजा गया हो। आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है उसका जवाब चेतन सिंह से लेना चाहिए आपको, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, अगर दोस्त दीजिएगा, आपका राज चल रहा है क्या, आपकी जागीरदारी है क्या इंडिया में कि किसी को बिठा के फेंक दे? जागीरदारी तो आपकी भी नहीं है, कानून कहते हैं आपने भी तो कानून पास कर दिया, आप अपनी तरफ से एक नोट में कहते हैं नोट पास कर दिया विधानसभा में, ये क्या हमारी जागीरदारी है? बंगाल के अंदर हम कुछ नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट आपकी है, पुलिस आपकी है, आप एक्शन लीजिए। एक सेकंड, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब चेतन सिंह से लेना चाहिए, अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है तो। चेतन सिंह आप भी गए थे वहां भाषण देने के लिए शाहीन बाग में, अगर मैं सही हूं तो, हो सकता गलत भी हूं, गए थे कि नहीं आप? नहीं, चेतन जी मैं गया था वहां पर। आपने भाषण भी दिया था मंच से, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बातें भी करके रोका। आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की असम को तोड़ दो, इसको काट दो, उसको अलग कर दो, या अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन जो लोग वहां से बोलते हैं, अगर वो शाहीन बाग का हिस्सा नहीं है, भले वो फेसबुक पे लिखते हो कि हमने पूरा प्रोटेस्ट प्लान किया था, उनको निकाल के फेंका क्यों नहीं गया उसी समय जब वो भाषण दे रहे थे, अगर वो हिस्सा नहीं थे, अगर ये सोच नहीं थी तो? मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहली बात, अब थोड़ा सा मेरे को 20-30 सेकंड दे दीजिए सर, 45 सेकंड आपके बिना रोक दो, आप जो बोलेंगे मैं सुनूंगा, बोलिए। देखिए सबसे पहली बात, हमने देखा कि किस तरह ये बीमारी, छोटी बीमारी कैंसर में तब्दील होती जा रही है। एक शाहीन बाग से 20 से ज्यादा शाहीन बाग बन गए हैं पूरे हमारे भारत में। अब ये देखिए, ये कुछ शाहीन बाग के स्टेज से, मंच से ये इमाम कुछ कहता है, दूसरा कपिल मिश्रा कुछ कह देते हैं। ये जितना इमाम के ऊपर हमें कानून के ऊपर देखना चाहिए, ये लॉ लगाने चाहिए, उतना ही कपिल मिश्रा के ऊपर भी लगाना चाहिए। दूसरी बात, हमारी सरकार की क्या प्राथमिकता नहीं है? वोट मांगने कौन गया था इन लोगों के पास में? शाहीन बाग के लोगों ने भी तो वोट किया था। जब इन लोगों से वोट मांगा गया था, जब तो गया गया, जब तो उनके पास जाया गया था, लेकिन अब जब उन लोगों को लग रहा है कोई भ्रम है, कोई दुख है, कोई उनको असुविधा है, उनको लग रहा है कि संविधान का यहां पर हत्या करी जा रही है, तो क्या सरकार की प्राथमिकता नहीं वहां पर जाके उनसे बात करें? दूसरी बात, मैंने उन लोगों से सारी गुजारिश करी थी, बोला था अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बना के रखिए, और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, मैंने मन से भी गुजारिश करी थी कि आए बात करें, वहां पर बात करने में क्या बिगड़ जाता है? हमारा देश तो हमेशा संवाद का देश रहा है। देखिए यूरोपियन यूनियन क्या बोल रही है, पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया क्या कह रही है, थू थू हो रही है जनाब, थू थू। आप लगेंगे सत्य नंडेला क्या कह रहे हैं, सत्य नंडेला और सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं, हमारे युवा खेल के मैदान में और आईटी के मैदान में बहुत दमखम रखते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे देश में, आप मुझे बता दीजिए रोहित सरदाना जी, नीलिन कोहली से पूछ लीजिए, ओके, क्या किस मोहल्ले में आग लगी है वहां कोई घर बनाएगा जाके? ओके, आप मुझे बता दीजिए, ओके, किस मोहल्ले में हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान नीलिन कोहली आपकी बात का जवाब देंगे सर, जिस मोहल्ले में आग लगी हो वहां कोई घर नहीं बनाएगा, लेकिन जिस मोहल्ले में आग लगी हो वहां आपके नेता जाके भाषण जरूर दे रहे हैं और तालियां जरूर बटोर रहे हैं। नलिन कोहली जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने उठाया। नलिन कोहली बोलिए, क्या उसका नामांकन खारिज नहीं होना चाहिए?
कपिल मिश्रा जिस तरह का तोड़ने वाला बयान था, कपिल मिश्रा पे चुनाव आयोग ने कार्रवाई की ना सर, कपिल मिश्रा पे चुनाव आयोग ने कार्रवाई की ना। नलिन कोहली बोलिए, नलिन कोहली बताइए क्या पार्टी इनकी डिसिप्लिन कमेटी ने क्या एक्शन लिया। नलिन कोहली बोलिए, पहली बात इसको हम समझ लें जनाब, मैं चेतन जी बोल लूंगा, पहली बात मैं इसको स्पष्ट कर दूं जो लगातार हम कह रहे हैं, CAA किसी भी भारतीय नागरिक के लिए है ही नहीं, ये है ही नहीं किसी भारतीय नागरिक के लिए। जो अब है ही नहीं किसी भारतीय नागरिक के लिए, तो उनके अधिकार, संवैधानिक अधिकार या दूसरे अधिकार, वो कैसे किसी रूप से उनको ठेस पहुंच सकती है। ये है हिंदू, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख लोग जो पड़ोसी देश में हैं, जो अपने धर्म के कारण के वजह से माइनॉरिटी होते, अल्पसंख्यक होते हुए उनके साथ उत्पीड़न होता है, उनकी बेटियों को उठाया जाता है, जबरन उनका इस्लाम के में धर्म परिवर्तन होता है, किसी गैर व्यक्ति के साथ शादी हो जाती है, रेप होता है, मर्डर होता है, रोज रिपोर्ट पढ़ते हैं। ये उनके लिए फास्ट ट्रैकिंग है, मतलब जल्दी उनको यहां पर मिल जाए सिटीजनशिप। अब दूसरा इसमें प्रश्न आता है कि वहां के मुसलमानों को क्यों नहीं आप यहां आने देते। अरे वो देश ही बने इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के लिए, 45 देश है मुसलमानों के लिए जो इस्लाम के नाम पे चढ़ते हैं, तो वहां के लोगों के पास पूरा अवसर है अपने देश में जीने के लिए इस्लाम के आधार पर, इसीलिए तो पाकिस्तान बना। अब उसमें वहां के लोग अगर वहां अपने देश में सुरक्षित नहीं है जिसके लिए वो देश बना, तो वो 44 और देशों में जा सकते हैं जो इस्लाम के नाम पर है, जहां सुरक्षित होंगे। लेकिन कहां सिख जाएगा, कोई सिख देश है, कोई हिंदू देश है, एक नेपाल होता था वो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पहली सवाल तो उठ रहा है। दूसरी बात कि भारत का संविधान ये अनुमति किसी को भी देता है कि आप शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात रखें, संवैधानिक सोच के विरुद्ध नहीं अपनी बात रखें। दूसरी बात ये नहीं कहता कि मैं अपने बात को रखने के लिए किसी को रोकूं, टोकूं, उसे चोट पहुंचाऊं, उसे तकलीफ पहुंचाऊं। ये अधिकार तो संविधान ने थोड़ी ना दिया कि मेरा अधिकार है कि मैं किसी को मुक्का मारूं, उसका मुंह टूट जाए, वो अपने बचाव के लिए कुछ करे, उसका अधिकार नहीं है। ये थोड़ी ना होता है भाई। ठीक है, आप वहां पर कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर दिया, तो जिनको तकलीफ हो रही है उनका भी तो देश में अधिकार है। लेकिन तीसरी और आखिरी बात, सवाल जो राजनीतिक तौर पर उठने लगा है, एक आखिरी बात, चेतन जी कोहली साहब, एक सेकंड चेतन सिंह, जो सवाल एक उठने लगा है वो ये कि जो बातें बीजेपी के सारे नेता टीवी पर बैठकर बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े विस्तार से समझाने को तैयार हैं, वो शाहीन बाग में जाकर एक बार क्यों नहीं समझा देते। यही सवाल अरविंद केजरीवाल ने आज उठा दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी दोनों शाहीन बाग को लेकर आमने सामने हैं। क्या दिल्ली के चुनाव तक शाहीन बाग पर राजनीति ऐसी चलती रहेगी। तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये एक मोहल्ला नहीं बल्कि एक सोच है। और दूसरी तरफ संबित पात्रा बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मोर्चा खोल के PFI के खातों की फेहरिस्त के बहाने मोर्चा खोला उन्होंने कपिल सिब्बल और कांग्रेस के खिलाफ। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं, कपिल सिब्बल ने क्या 77 लाख रुपीज जो मीडिया दिखा रही है वो लिया था? इंदिरा जयसिंह से पूछना चाहते हैं कि आपने कितना लिया था? ये पैसे लेकर देश को बांटने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट होता है, कांग्रेस का हाथ देश बांटने वालों के साथ। ये वही सोनिया गांधी की पार्टी है जिस सोनिया गांधी जी ने जाकिर नायक से डोनेशन लिया था। सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा पैसों की बोरी जाकिर नायक से लिया था, यह म्यूजिक ये पूरा दिखाया गया था, और बाद में वो कह रही थी मैंने वापस कर दिया। तो बड़ी बात नहीं है कि PFI से भी सोनिया गांधी जी ने डोनेशन के रूप में पैसा लिया हो कांग्रेस के लिए। 73 बैंक अकाउंट्स में 120 करोड़ रुपए का डिपॉजिट होना और इस 120 करोड़ रुपए को किस प्रकार से पूरे देश में बांटा गया है, ठीक उसी समय जिस समय CAA संबंधित प्रोटेस्ट के माध्यम से वायलेंस हो रहा था, यह एक बात तो स्पष्ट करता है कि पैसे बांट करके एक मैन्युफैक्चर्ड वायलेंस पूरे देश में खड़ा किया गया PFI के माध्यम से। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि CAA के किसी केस के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया, ये राजनीतिक आरोप है, झूठा आरोप है। चेतन सिंह, एक तरफ PFI और दूसरी तरफ कांग्रेस पर सीधा हमला बीजेपी का ही। देखिए, सबसे पहली बात समझने की, कपिल सिब्बल जी ने अपने ऊपर एक CAA का एक बयान दिया था केरला में, हम सबको पता है क्या बयान था, वो एक अच्छे वकील है और उनका जो बयान था वो एज ए वकील था। अब दूसरी बात समझने की है, जो पैसा लेने वाली और देने वाली बात,
वो तो हमने देखा डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ नोटबंदी के बाद में। तो इसलिए इस संदर्भ में बात ना करी जाए, मुद्दे को भटकाया ना जाए। जैसे जमीनी मुद्दों को भटकाया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जीडीपी की क्या हालत है, सुब्रमण्यम स्वामी तो इन्हीं की पार्टी के हैं, वो कह रहे 1% भी जीडीपी नहीं है, जबकि परिभाषा बदल दी गई है जीडीपी की। अब देखिए यहां पर समझने की बात है, कपिल मिश्रा, आप कपिल सिब्बल कह रहे हैं, मैं कपिल मिश्रा के में सवाल पूछा था, आपने भी पूछने की कोशिश करी थी, नलिन कोहली जी के पास जवाब नहीं था और ना ही किसी को जवाब हो सकता। क्या ये कपिल मिश्रा जी का बयान उनके खुद के बयान थे या ऊपर से बोला गया था उनको बोलने के लिए या कोई एजेंडा चलाने के लिए? देखिए भारत एक बड़े निर्णायक दौर से गुजर रहा है, भारत की कमाल बड़ी। अच्छा एक चक्कर क्या है ना, भारत अब हर पंचायत चुनाव में, हर कॉलेज के चुनाव में, हर ग्राम सभा के चुनाव में निर्णायक दौर से गुजरता है। पिछले कुछ समय से लगातार यह स्थिति हो गई है। लेकिन आपका सवाल मैं एज इट इज चेतन सिंह पूछ दूंगा नलिन कोहली से, उसके पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा बेसिक मुद्दों से भटकाने के लिए यह सब हो रहा है। आपके बड़े बड़े नेता शशि थरूर, आपके बड़े बड़े नेता मणिशंकर अय्यर, आपके पूर्व विधायक आसिफ खान जो कि डिजाइनर थे इस पूरे शाहीनबाग प्रोटेस्ट के, जब वहां से भाषण देते हैं शाहीनबाग के मंच से, तो क्या जीडीपी पर बोले, क्या बेरोजगारी पर बोले, क्या नौकरियों पर बोले, क्या यही बोले कि मुसलमानों को बाहर निकालना चाहती है बीजेपी? क्या ये बीजेपी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश, हमारे घर के लोग खुद वो दुखी चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? चेतन जी या तो आप सुनना चाहते नहीं, आपने भाषण दिया वहां से, आपने शाहीनबाग के मंच से बोला कि बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, इस सब पर मैं चिंतित हूं, या आप भी लोगों को वही बता रहे थे कि बीजेपी मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहती है? क्योंकि युवाओं की ये सोच और उनकी क्षमता को नहीं सही दिशा पे लगा पा रहे हैं। अगर युवा हमारे रोजगार होते, सुनना चाह नहीं रहे, पहले बयान पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद एमएच खान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बोलना चाहते हैं। बोली बोलिए, बिल्कुल दे देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल दे देता हूं। पहली बात है, यदि कपिल मिश्रा जी के, अब चेतन जी आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे दूं, अगर यदि कपिल मिश्रा जी के बयान उचित होते, सही होते, तो क्या उन पर ईसी की कार्रवाई आती, दो दिन के लिए रोक लगाई जाती? अरे उन पर कार्रवाई हो गई है। और दूसरी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता साहब हैं, लेकिन आपका प्रश्न का भी तो जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी पे बोले क्या शाहीनबाग में? और शाहीनबाग में जो हो रहा है वहां पर भय का बढ़ाने के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे। और मेरी आखिरी बात जो मैं ब्रेक से पहले कहना चाहता था, भारत का संविधान ये स्पष्ट करता है कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हमें सारे अधिकार मिलते हैं। तो भारतीय नागरिक को अधिकार मिलते हैं, ऐसे अधिकार नहीं मिलते कि पहले मैं मुस्लिम हूं, पहले मैं हिंदू हूं, पहले मैं बौद्ध हूं, फिर मेरे अधिकार है। नहीं, पहला अधिकार है इंसान का कि हम भारतीय हैं। और भारत की सोच, भारत की विभाजन की सोच, ये भारत की कैसे, भारतीय अच्छे भारतीय नागरिक की कैसे सोच हो सकती है? लोग इस पे बोल रहे हैं ना, कांग्रेस इस पे बोलने से इसका खंडन करना चाहती, उनका नेता इसे प्रोत्साहित करते, वहां कई नेता खड़े होकर कहते हैं मैं पहले मुसलमान हूं फिर मैं भारतीय हूं। ये कहां पर संविधान में हो सकता है? भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पे तो बना ही नहीं है। ठीक है, कह सकता है कि चाहे हिंदू हो या धर्म के आधार पे नहीं बना, पहले ये सवाल नलिन कोहली इसी पर उठा है हमारे संविधान, जब संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता तो आपने बाहर से लोगों को नागरिकता देने के लिए धर्म का पैमाना क्यों चुन लिया? एमएच खान बोलिए अपनी बात, उसके बाद तौसीफ खान और कौशल खान बोलिए। बिल्कुल इसका जवाब दे सकता हूँ एमएच खान, अभी वापस आऊंगा सर, तब दीजिएगा। सरदाना जी बोलिए एमएच खान। सरदाना जी, मैं आपने जो अभी बात कही है कि कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और क्या नाम है शशि थरूर और चेतन सिंह खुद वहां पर गए थे, मैं पूरी तरह से समर्थन आपकी बात करता हूं। ये लोग वहां क्या करने गए थे? अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर संविधान में अधिकार मिला है प्रोटेस्ट करने का, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां जाके क्या कर रहे थे? कांग्रेस का हाथ वहां क्यों पहुंचा? क्यों और ये क्यों नहीं राष्ट्रपति से मिलने गए? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए? क्यों नहीं प्रतिनिधि मंडल इनका होम मिनिस्टर से मिलने गया? ये टीवी डिबेट में बैठ करके जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान के बांटने की बात करते हैं। ये मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, तो ये इसी बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये वहां क्यों गए, सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर क्यों गए वहां, सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। और शशि थरूर क्यों गए, सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस क्यों वहां पहुंच गई, राजनीतिकरण क्यों किया वहां पर,
जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था उसमें इन्होंने आग लगाने का काम किया है। चेतन सिंह क्यों पहुंच गए वहां पर? चेतन सिंह आपका क्या काम था वहां पर? कितनी फंडिंग किया आपने वहां? कितना दिया आपने? ये सब झूठ अफवाह फैला करके आप देश में विभाजन करना चाहते हैं और किसी तरह से सत्ता में आना चाहते हैं, तो सत्ता में आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के लिए आपको एक तरफ आप पूछ रहे हैं इनसे कि कितनी फंडिंग की आपने, बीजेपी कह रही है ये तो पैसे ले रहे हैं जाने के वहां पर। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप कह रहे हैं इन्होंने पैसे दिए, बीजेपी कह रही है इन्होंने पैसे लिए वहां जाने के। कौशल कांत जल्दी आपका एक कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा जल्दी। मेरा सिर्फ एक कमेंट है, जैसे कि आप लोग बार बार कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं, कृपया सीरियसली देखिएगा। ये पाकिस्तान की सीनेट की वेबसाइट का डॉक्यूमेंट है। रोहित जी मैं आपको हैंड ओवर करना चाहता हूं, आप इसको देखिए और इसके सेकंड लास्ट पेज के दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं पूरा देश इसको पढ़े और जाने, डाउनलोड हो सकती पाकिस्तान के पार्लियामेंट की वेबसाइट का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो लोग जो देश के दुश्मन है, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, इसको आप इंग्लिश में लिखा हुआ है समझने के लिए, मुस्लिम बड़ा रिसर्च किया भाई आपने पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे, बीच में मत बोलिए, इसमें लिखा हुआ है वो लोग जो फॉल्ट लाइनर्स हैं हिंदुस्तान के नेशनलिज्म के लिए। इसमें उन्होंने नाम लिया पहले मुस्लिम का, सिख का, क्रिश्चियन का, दलित का और मोइस्ट का। इन सबको पाकिस्तान की एजेंसीज है अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करते हुए मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को हर्ट करें और इसी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग बने। और एक दूसरा पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं सर, इस डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि जो मीडिया, सोशल मीडिया, इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेटेड लॉयर्स की टीम को हिंदुस्तान के नेशनलिज्म के अगेंस्ट खड़ा किया जाए, ये मैं नहीं कहता, वकील बैठे पहले मैं नहीं मना कर रहा हूं सर, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की वेबसाइट का डॉक्यूमेंट है। सारे वकील हैं इस पैनल में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अब आप पाकिस्तान भी ले आए इस चर्चा में। इसके पहले कपिल मिश्रा ये कह चुके थे कि दिल्ली का चुनाव जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान होगा। इस समय का अमित शाह का एक और बड़ा बयान है, दिल्ली में रैली करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोल दिया है, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल भी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ सबूत मांगते थे और टुकड़े टुकड़े गैंग पर कार्रवाई करने के लिए इजाजत नहीं दे रहे, फाइल पर वो ही बैठे हुए हैं। यानी कि शाहीन बाग से अब दिल्ली की राजनीति का रास्ता तय होगा। दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा आज तक का मोबाइल ऐप या फिर विजिट किया कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.com।